गाइस, दिस इज़ मी जूही एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूही ब्यूटी वर्ल्ड। और आज की वीडियो है ब्यूटीशियन की क्लास, मेरी 6th वीडियो। तो 1 to 5 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आज है ब्यूटीशियन की 6th क्लास। और इससे पहले मैंने अपने ब्यूटीशियन की क्लास 5th ऑलरेडी ब्लीच पर ही बनाया है, और इसमें मैंने बात किया कि ब्लीच क्या होता है, आपकी स्किन के कौन से स्किन टाइप पे कौन से ब्लीच सूटेबल होती है, आपकी स्किन का टोन कैसा है और टाइप कैसा है, टोन और टाइप के हिसाब से आपको कौन सा ब्लीच यूज करना चाहिए, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके नीचे देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ। और आज है मेरी ब्यूटीशियन की 6th क्लास, और इसमें मैं बात करने वाली हूँ, आपके मन में जितने भी ब्लीच से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सब के आंसर मैं लेके आएँ कि ब्लीच क्या होता है, ब्लीच कब करनी चाहिए, कितने एज में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके क्या इफेक्ट हैं, क्या साइड इफेक्ट है, इन सारे टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के इन तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ब्लीच होता क्या है। तो ब्लीच एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, और इसका यूज ये होता है कि हमारे फेस पे जो अनवांटेड हेयर होते हैं, हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं, जिनको हम अगर वैक्स से रिमूव नहीं करना चाहते तो उसे हाइड करने के लिए हम ब्लीच करते हैं। ब्लीच उन रोए को ब्राउन कर देता है जो कि हमारे स्किन के कलर में हो जाते हैं और फिर दिखाई नहीं पड़ते, थोड़ा कम दिखाई देते हैं बात करें तो। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्लीच कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ब्लीच फेस पे यूज होता है, बॉडी पे यूज होता है, हमारे हेड पे यूज होता है, और साथ ही साथ हेयर पर भी यूज होता है। हेयर के अलग से ब्लीच आते हैं बट यूज होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे बात करनी चाहिए कि क्या ब्लीच हर किसी को करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर है कि ब्लीच करना भी चाहिए और हर नहीं भी करना चाहिए, इसके दोनों टाइप के आंसर है। जैसे कि आप ब्लीच यूज कर सकते हो, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आपके फेस पे पिंपल है तो प्लीज़ आप ब्लीच को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं ब्लीच में अमोनिया पाया जाता है, वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो प्लीज़ आप ब्लीच से दूर ही रहें। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्लीच करने की सही उम्र क्या है। अगर आपकी उम्र 18 से कम है या अंडर 20 ईयर आप हो तो प्लीज़ आप ब्लीच का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्या होती है जो हमारी 18 से बीच की एज होती है उसमें हमारी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, और ब्लीच हमारी स्किन को ड्राई भी कर देता है, और साथ ही साथ इसमें अमोनिया पाया जाता है जो कि केमिकल प्रोडक्ट होता है। तो 18 से 20 वालों की स्किन ना मतलब सॉफ्ट भी होती है, और साथ ही साथ उस टाइम पे हमारी स्किन बदलती रहती है, कभी हमें पिंपल होते रहते हैं, कभी हमारी स्किन ऑयली होती रहती है, तो स्किन उस टाइम पे नए नए चेंजेस होते रहते हैं, हमारी बॉडी में भी हमारी स्किन पर भी होती है। तो अगर आपकी एज 20 साल के अंदर है, मैं 18 के मैं 20 मानती हूँ, तो आप ब्लीच से दूर ही रहिए। हाँ, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप DIY रेमेडी ट्राई कर सकते हैं, मेरे ही चैनल पर आपको बहुत सारे DIY रेमेडी मिलेगी फेस से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, जो कि आप यूज कर सकती हो। अगर आपकी एज 20 नहीं है तो आप मेरी सजेशन मानिए, ब्लीच का यूज़ बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ब्लीच कितने टाइम बाद करनी चाहिए। तो मैंने कहीं देखा है कई बार लोगों को कि जो मंथली फेशियल कराते हैं वो हर मंथली ब्लीच भी करवाते हैं, इसके बाद फेशियल भी करवाते हैं, या फिर कभी कभी ओकेशन रहता है तो लोग फेशियल नहीं करा पाते, कोई फंक्शन है तो वो ब्लीच यूज किए रहते हैं, और फिर कोई नेक्स्ट फंक्शन 15-20 दिन के अंदर पड़ा तो फिर ब्लीच यूज कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने स्किन पे ब्लीच का इतना यूज नहीं करना चाहिए। कम से कम अगर आपको ब्लीच का यूज करना है तो 2 से 3 मंथ, मिनिमम 2 से 3 मंथ आप हर मंथली ब्लीच का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच से हमारे स्किन को नुकसान भी हो सकता है, हमारा जो स्किन है वो कालापन भी ला सकता है ब्लीच, इसलिए हर मंथली ब्लीच का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम मेकअप करने से कितने टाइम पहले ब्लीच कर लें। देखिए, अगर आपके घर पर कोई ओकेशन है, फंक्शन है, तो मेरी सजेशन है आप 1-2 दिन पहले ही ब्लीच कर लीजिए, बट अगर आपको टाइम नहीं मिला और आपको ब्लीच करना है तो आप मिनिमम 5 से 6 आवर पहले आप ब्लीच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीच के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो ब्लीच पहले मैं बात करती हूँ ब्लीच के फ़ायदे की। तो ब्लीच के फ़ायदे ये हैं कि जैसे आती आपके पास बहुत सारे फेशियल हेयर हैं और आप वैक्स का यूज़ नहीं करती तो आप ब्लीच करके उन्हें हाइड कर सकती है, मतलब ब्लीच करने से वो हमारे स्किन के टोन में हो जाते हैं, जिससे थोड़ा अनविजिबल हो जाते हैं। और सेकेंड नंबर ये कि कहीं ना कहीं ब्लीच कर लेते हैं तो वो जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं वो थोड़ा सा उनकी वजह से हमारी स्किन फेयर दिखने लगती है। तो नुकसान की बात करें तो ब्लीच से
काफ़ी नुकसान से। देखिए, ब्लीच में अमोनिया पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है। साथ ही ब्लीच करने से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। और तीसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लीच का यूज करेंगे तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाएगी। तो ये सब ब्लीच के नुकसान हैं। आपको पिंपल की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ज़्यादा ब्लीच का यूज कर रहे हैं, क्योंकि अमोनिया स्किन के लिए हार्मफुल होती है। ब्लीच करने से हमारी स्किन फेयर हो जाती है या हमारे फेस पे ग्लो आ जाता है? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि ब्लीच कर लिए तो हमारी स्किन पे ग्लो आ गया, जबकि रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं। हमारी स्किन पे जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं वो ब्लैक रहते हैं, तो जब वो ब्लैक रहते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी सी डल दिखती है। तो ब्लीच का क्या करता है कि हमारी स्किन पे जो हेयर होते हैं उसे ब्राउन कर देता है और वो हमारी स्किन टोन में हो जाती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्किन पे ग्लो आ गया या फिर हम फेयर हो गए। ब्लीच ऐसा कोई काम नहीं करता, आपको कोई फेयर नहीं करता, आपकी स्किन पे कोई सा ग्लो नहीं लाता, ऐसा कुछ नहीं करता। सोचन ये है कि अगर हमारे अनवांटेड हेयर की ग्रोथ ज़्यादा है तो हमें ब्लीच करनी चाहिए या फिर वैक्स करनी चाहिए? अगर आपकी स्किन पे थोड़े ज़्यादा हेयर हैं तो अनवांटेड हेयर हैं तो आप ब्लीच ना करें, क्योंकि ब्लीच का काम होता है ब्राउन करना। तो हमारे फेस पे जो अनवांटेड हेयर होते हैं, अगर थोड़े ज़्यादा उनकी ग्रोथ रहती है और ब्लीच उसे ब्राउन कर देता है तो थोड़े वियर्ड से लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेयर की ग्रोथ अगर आपकी स्किन पे है तो आप ब्लीच से दूर रहें। हाँ, हो सके अपना थ्रेड करा लें या फिर आप वैक्स कर लें, कोई और सजेशन ढूंढ लें, आप ब्लीच से बच के रहें। क्या ब्लीच करने के बाद हमारे जो फेशियल हेयर हैं वो हमेशा के लिए परमानेंटली ब्राउन हो जाते हैं? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लीच मिनिमम 15 से 20 दिन के लिए हमारे फेशियल हेयर को ब्राउन करके रखता है। इसके बाद जैसे पहले से थे वैसे ही नेचुरली हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लीच यूज कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्टली ये है कि आप पैच टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि आपको ब्लीच सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको ये भी पता चाहिए। सेकेंड ये कि आपकी स्किन का टोन क्या है, डीएम है, फेयर है, डस्की है, और टाइप क्या है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, ऑयली है, किस टाइप की है। आप पहले अपनी स्किन को समझ ले, इसके बाद ही आप ब्लीच करें। आज के लिए बस इतना ही। मैंने ब्लीच से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने उन सारे को कवर कर दिए हैं। अगर कुछ मिस हो गया तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने नहीं दिया हो। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।